हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अगर कोई कंफर्म कर दे कि आवाज़ उसको क्लियर है। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये एक एजुकेशन के रिलेटेड हमारी लेक्चर सीरीज़ का हिस्सा है, जो हम मंडे नेक्स्ट संडे तक जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरा नाम ज़िशांत ज़फ़र है जी। PMS 2019 जो 2018 था वो मैंने क्वालिफाई किया था रिटर्न। अभी जो मैं हूँ वो वेट कर रहा हूँ एलोकेशन का साउथ पंजाब के कोटे पे। मेरा PMS में एजुकेशन सब्जेक्ट था, उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और आपका पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं जी कि ये सब्जेक्ट जो है, ये इसका सिलेबस क्या है और क्या डिमांड करता है और हम इसको कैसे कवर करेंगे इन 7 डेज में। ठीक हो गया जी। सबसे पहले अगर हम इसका सिलेबस देखें तो जो फर्स्ट पेपर है, पेपर वन जो है, उसको मैं सिलेबस भी आप लोगों के साथ डीकंस्ट्रक्ट करके देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे लगता है कि आप जब तक सिलेबस की डीकंस्ट्रक्शन नहीं करते तब तक आपको सब्जेक्ट जो है वो समझ नहीं आता कि सब्जेक्ट की क्या डिमांड है। और उसके साथ आप पास पेपर्स को देखते हो कि एग्जामिनर ने पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली PMS में पिछले 2-3 सालों में जो है किन एरियाज़ में से क्वेश्चन उठाए हैं। ये आप सबको पता तब चलता है जब आप पास पेपर्स को सिलेबस के साथ जो है कोहिसिव बनाने की कोशिश करते हो। तो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इज़ दी वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। जब हम PMS की बात करते हैं, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर हम स्कोरिंग ट्रेंड की बात करें, देखें जी, स्कोर आपको 130 के करीब करीब ये आराम से दे जाता है, और इससे ज़्यादा स्कोर आप इसमें हासिल कर सकते हैं, स्पेशली पेपर वन में। क्यों? क्योंकि ये आपको, अगर आपकी रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, आपने 2-4 किताबों को यूटिलाइज़ किया है, ठीक है, और जस्ट BEd और MEd की किताबों से एजुकेशन जो है वो नहीं पढ़ी आपने, इसको अच्छे राइटर्स जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा उनको फॉलो किया है, तो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट्स इन PMS। ठीक है, अगर हम इसका सिलेबस देखें जी, ठीक है, तो हमारे पास जो हेड वन है, जहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट करना भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हेड वन की, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। उसके बाद वो एम्स ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्लान। और ये बात स्टार्ट करता है सबसे पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो 1947 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो 1959 में कमीशन बना था एजुकेशन पे, नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, उसकी डिस्कशन करता है। एंड देन एजुकेशनल पॉलिसीज, जो पॉलिसी है 1972 से 1980s तक, उसकी कहानी डिस्कस करता है। और फिर आपको नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज 5 जो है वो पढ़नी पड़ती हैं। सिलेबस में 2006 तक का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि 2019 में हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट की एक एजुकेशनल पॉलिसी जिसका नाम है न्यू डील, वो आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इस हेड से, इस 1.4.4 तक हमें किसी सिलेबस को कैसे करना है और मैं इसको आप लोगों को कैसे कराऊंगा, आई विल ट्राई टू फोकस ऑन सेलियंट फीचर्स ऑफ दोज पॉलिसीज, और हम कंपेयर करेंगे कि उन पॉलिसीज़ के जो फीचर्स थे जो एक फेडरल गवर्नमेंट परसू कर रही थी, ठीक है, उन फीचर्स को परसू करते हुए
जो डेवलपमेंट है वो कैसी हुई, लिटरेसी रेट कैसे इम्प्रूव हुआ, किन किन एरियाज़ में रहा, आपकी फंडिंग कितनी रही, टीचर्स करिकुलम तक को कैसे डेवलप किया गया, और कौन कौन सी चीज़ों को कंपैरेटिव एजुकेशन को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इंट्रोड्यूस कराया गया, और 1947 से लेकर 2019 तक जो न्यू डील की पॉलिसी है उसमें हम क्या फ्रॉम द लिटरेसी रेट, और उसके बाद जो है हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और जो आपकी हायर एजुकेशन है HSC तक पहुंचेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू डिस्कस के आफ्टर 18th अमेंडमेंट इसमें क्या बेहतरी आई है, ठीक है, जो आपका एजुकेशन है जब वो एज अ सब्जेक्ट डिवॉल्व हुआ है, तो 3D अप्रोच अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन सोशल सेक्टर पॉलिसीज़ में, लाइक डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिकन्सेंट्रेशन से क्या फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट हेड जो है 1.5, जो इसका एक और सेकेंडरी हेड है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एजुकेशन। हम ये देखेंगे कि फॉर द कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ अ डिवेलपिंग कंट्री, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन में क्या रोल होता है, ये हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान सही तरीके से नहीं समझेंगे। तो हम पहले एजुकेशन सिस्टम समझेंगे पाकिस्तान में कौन सा है, एंड देन वी विल डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन एजुकेशन। फिर उसके बाद हम रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर देखेंगे एजुकेशन में क्या करता है, और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों की कोलैबोरेशन एजुकेशन को कितना फ़ायदा देती हैं जब एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें NGOs फंडेड स्कूल्स भी हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के किन किन एराज में वो स्कूल काम करते रहे हैं और वो किस हद तक आपकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे हैं और एजुकेशन में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन डोनर एजेंसीज, जैसे आप यूनिसेफ देख लें, यूएसएड देख लें, यूनेस्को देख लें, तो एजेंसीज क्या रोल प्ले करती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशनल पॉलिसी, उस पॉलिसी को डिवाइज करने से लेकर आपकी उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन तक, एंड देन उस पॉलिसी की एग्जीक्यूशन तक, जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ होती हैं डोनर एजेंसीज़ का क्या रोल होता है, और उससे एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे होती है फॉर द कंट्री लाइक पाकिस्तान। फिर हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स जो हैं डिफरेंट काइंड के कौन से होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उन स्टेक होल्डर्स का एजुकेशन में क्या रोल होता है। यहाँ तक हमारा जो हेड है 1.5 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि नेक्स्ट हेड एक और कंप्लीट हेड है जिससे एग्जामिनर सवाल उठाता है, और पास्ट में उसने हमसे सवाल पूछा है रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ और किस तरीके से उसने इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके बाद एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द कंट्री लाइक पाकिस्तान या साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ होते हैं उसमें उसने कैसे इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। यहाँ पर हम एक कम्प्लीट क्वेश्चन अलग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम ये एजुकेशन इन पाकिस्तान कम्प्लीट डिस्कस कर रहे होंगे। सेकेंड जो हेड है वहाँ से भी ये कम्प्लीट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एंड दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। चार फाउंडेशंस हैं जी एजुकेशन की, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट विल बी फिलोसफिकल फाउंडेशन, जिसमें हम एपिस्टीमोलॉजी देख रहे होंगे, एक्सियोलॉजी देख रहे होंगे कि इन सब का क्या रोल है एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। हम फिलोसफिकल फाउंडेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब समझेंगे, एंड देन वी विल रिलेट इट विद दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट एजुकेशन, एंड विल कीप इन माइंड दैट जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको जस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन ही कंसिडर कर रहे हैं। द सेकेंड इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, दैट विल बी अ स्पेशल फोकस जो 2.4 होगा, क्योंकि इसी की बेसिस पे, इसी पेपर 1 का जो लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस है हेड 4, वहाँ पर हम जब बिहेवियर और कॉग्निटिव थ्योरीज को समझेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, देन हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की मदद से उन उस एरियाज़ को कवर कर रहे होंगे, उन एरियाज़ को,
तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ हम एजुकेशन समझेंगे, जिसमें हम बिहेवियरल अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे, कॉग्निटिव अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कस डिफरेंट थ्योरिस्ट जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट एजेस, ठीक है, 0 से 2 साल तक, फिर उसके बाद आपकी 2 से 7 साल तक, फिर 7 से 11 साल तक, और फिर 11 से एडल्टहुड तक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कैसे होती है और ये लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल प्ले करती है। और इसको हम समझने की कोशिश बेहतर तरीके से तब कर सकते हैं जब हम रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड रोल ऑफ सोसाइटी तीनों कंसीडर कर रहे होंगे कि वो कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है और इवेंचुअली साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन में क्या पार्टिसिपेट करती है। देन वी विल डिस्कस सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जी ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन पास्ट पेपर्स में अगर हम देखें तो फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ज़्यादा फोकस रहा है। जब सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन देखेंगे तो सोशियोलॉजी हो गया, ऑस्बल हो गया, इनको देखेंगे कि इन्होंने टीच स्कूल की क्या डेफिनेशन दी है, स्कूल की डेफिनेशन क्या है इनके मुताबिक, क्लासरूम की क्या डेफिनेशन है इन थ्योरिस्ट के मुताबिक, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, टीचर का क्या रोल होता है, और जो डेवलपमेंट होती है क्लासरूम के अंदर सोसाइटी के अंदर वो किस तरीके से इंटर रिलेटेड होती है, एंड देन वो सोशियोलॉजिकल बेसिस की जो थ्योरीज हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे, देखेंगे कि एजुकेशन एज सच क्या रोल प्ले करती है और इसके थ्रू कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं। लास्ट हम देखेंगे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के लिए विल मूव टूवर्ड अल फराबी, ठीक है, द थर्ड ग्रेट टीचर आफ्टर सेकंड ग्रेट टीचर आफ्टर एरिस्टोटल, उनसे हम थोड़ी सी मदद लेंगे ताकि इस पोर्शन को हम अच्छा कर सकें। तो अलफराबीज़म यहाँ डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक कंसेप्ट क्या है एजुकेशन का और एक आइडियल स्टेट में एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है और इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है। थर्ड जो हमारा हेड होगा जी इस लेक्चर सीरीज़ का, जो तीसरा लेक्चर होगा वो करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन होगी। देखिए जी, करिकुलम अगर हम सिंपल से कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम होता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो डायरेक्शन देता है, डिक्टेट करता है, सबसे पहले ये रोल्स एंड ड्यूटीज़ क्लियर करके देता है कि भाई किस किस की ड्यूटी है स्टेट के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने की। फिर करिकुलम डिसाइड कराता है किस लेवल ऑफ, किस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए आप इस करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि वहाँ पर टीचर को क्या कंसीडर किया जा रहा है। सो यहाँ हम एजुकेशनल थ्योरीज़ की हेल्प लेंगे थोड़ी सी कि आइडियलिज्म क्या कहती है करिकुलम कैसा होना चाहिए, रियलिज्म क्या कहती है करिकुलम कैसा होना चाहिए, फंक्शनलिज्म क्या कहती है, एसेंशियलिज्म क्या कहती है, फंडामेंटलिज्म क्या कहती है। जो एजुकेशन की थ्योरीज़ हैं वहाँ से हेल्प लेंगे इस करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एंड देन उसके बाद हम जो ऊपर हमने फाउंडेशंस पढ़ी हैं साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसोफिकल और इस्लामिक जो कंसेप्ट है एजुकेशन का उसको रिलेट करेंगे। एंड देन जो 1.5 में हमने हट देखा था ग्लोबलाइजेशन का, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन क्या रोल प्ले करती है करिकुलम को डेवलप करने में, एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन का किस हद तक रोल है जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं या जब हम 4 सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन जो पाकिस्तान में प्रिवेल करते हैं उनको देखेंगे और ये गप लगाएंगे हम छोटी सी जब हम समझने की कोशिश करेंगे करिकुलम का एजुकेशन में क्या रोल है और एक दूसरे के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, प्रोसेस सारा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई स्टार्ट कहाँ से होती है कहानी, फार्मूलेशन क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की स्टेज पे सेट किए जाते हैं, उनको कैसे अचीव किया जाता है, मटेरियल कैसे डेवलप किए जा रहे होते हैं, प्रोसेस है डेवलपमेंट का, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो गई, ठीक है, चाहे वो उसमें टीचर
मेथडोलॉजी हो गई, स्ट्रेटजीज़ हो गई, इन सब को कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये करिकुलम डेवलपमेंट, ये एक ही लेक्चर होगा हमारा जो लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर जो 4 होगा जी, वो बेसिकली जो हेड 4 है ये हम हेड 2 के साथ कवर करेंगे, जिसमें हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जब हम देख रहे होंगे, देन वी विल डिस्कस लर्निंग एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ का क्या नाम है, ग्रोथ फिजिकल होती है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक एज के लिए ग्रोथ हो सकती है। जब डेवलपमेंट देखेंगे तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एज अ होल सम अप, ठीक है, इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये टाइम फ्रेम एक लिमिटेड नहीं होता। ये आपकी जो है फ्रॉम क्रेडल टू जो ग्रेव है वहाँ तक ही रहती है, आपके पैदा होने से मरने तक ही आपकी डेवलपमेंट रहती है और एज अ होल सम होती है। इसमें आपकी माइंड, आपका ब्रेन, आपके बॉडी पार्ट्स, इनके ग्रोथ का पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है। अब इन देखें, इन दोनों प्रिंसिपल्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और इन देखेंगे कि इनका क्या रोल है लर्निंग के अंदर। फिर डेवलपमेंट की टाइप्स देखेंगे डिफरेंट थ्योरिस्ट के हिसाब से, ठीक हो गया, कॉग्निटिव, मोरल, इमोशनल, सोशल, देखेंगे कौन कौन सी एज पे कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है और टीचर जो आपका टीचर है, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, वो किन स्टेजेस पे इन डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है और कौन सा टीचर कर सकता है, क्या वो आइडियल टीचर है, क्या वो अथॉरिटी है, क्या वो फैसिलिटेटर है। टीचर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जब हम लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इन डेवलपमेंट की टाइप्स को देख रहे होंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि इन स्टेजेस पे अगर ये डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर कितना नुकसान उठाती है एक कौम, एक सोसाइटी और एक जो इंडिविजुअल है जिस बच्चे की हम बात कर रहे होते हैं। फिर लर्निंग प्रोसेस देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉग्निटिव थ्योरीज हैं और आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हैं इनको समझेंगे, बट साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के साथ। तो ये एक सेपरेट लेक्चर नहीं, लेक्चर 2 के साथ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में ही इंक्लूडेड है, उसका पार्ट होगा। हेड 5 हम फर्स्ट पेपर में कवर नहीं करेंगे, ये हम करेंगे जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन देख रहे होंगे कि भाई हमारे मुल्कों में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, वो कौन से प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा, क्या मेथड होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बैरियर्स क्या हैं, करिकुलम, खुद करिकुलम से लेकर पॉलिसी से लेकर उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन स्कूल में उस डे पे जिस वक्त आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, ये कैसे बैरियर्स हैं जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं, ऑडियो का क्या फीचर है, वीडियो का क्या फीचर है, टेस्टिंग मटेरियल क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की एड यूज़ करके आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और एक अच्छा सा एक केस स्टडी यहाँ करेंगे कि COVID-19 की सिचुएशन में क्या पाकिस्तान जैसे कंट्री जो डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए अभी तैयार नहीं था, ठीक है, और इग्नोर करता रहा आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इसके इम्पोर्टेंस को, कौन सी मुश्किलात फेस कर रहा है, डिजिटल क्लासरूम नहीं बना सका तो क्यों नहीं बना सका, ठीक है। तो एक छोटा सा केस स्टडी समझने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू कंपेयर इट विद द केस स्टडी ऑफ जापान और कोरिया, ठीक है, इन दोनों की केस स्टडीज़ देखेंगे अपने एशियन कंटेक्स्ट में ही कि वो डिजिटल क्लासरूम तक कैसे मूव किए हैं। ये हमारे पास जो लेक्चर्स होंगे 4, नेक्स्ट 3 लेक्चर्स जो होंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, हम एजुकेशन की जो है फिलॉसफीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, बट इनिशियली विल स्टार्ट फ्रॉम द स्कोप ऑफ फिलॉसफी कि क्या फिलॉसफी के स्कोप में ये सब्जेक्ट है भी सही कि नहीं है। फिलॉसफी इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी डोमेन है, ठीक है, उसके डोमेन में एजुकेशन है, अगर है तो ग्रीक फिलॉसफर्स कौन कौन से रहे हैं जिन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस पे जो है जोर दिया। प्लेटो हो गया आइडियल जो एजुकेशनिस्ट था, ठीक है, अपनी आइडियल स्टेट में कैसे वो उस ज़माने में जब एंशिएंट ग्रीस की बात हो रही है तो वहाँ से कहानी शुरू करेंगे और पहले करेंगे वेस्टर्न स्कूल ऑफ जनरल फिलॉसफी।
और बड़ा आसान होता है जी यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए आसान कर दूँ जिनका मूड नहीं होगा ये लेक्चर सीरीज़ लेने का, कि पांच फिलॉसफीज़ हैं जी वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। चार चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, टीचर, स्कूल, डेवलपमेंट, एजुकेशन एज अ प्रोसेस। ये चार फिलॉसफीज़ इनके बारे में क्या कहती हैं। टीचर आइडियलिज्म क्या कहता है कि टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो डेवलपमेंट या लर्निंग प्रोसेस में किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा होगा, आपकी हेल्प कर रहा होगा। रियलिज्म कहेगी टीचर अथॉरिटी है जी, ठीक है, वो फैसिलिटेटर नहीं है, वो अथॉरिटी है। फिर इनको थोड़ा कंटेम्प्रेरी फिलासफर्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, रसल क्या कहता है, ठीक है, और पास्ट पेपर्स में कहाँ पर बेसिकली आइडियल जो टीचर है उसका रोल ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेचुरलिज्म भी देखेंगे, सेम यही चार वेरिएबल्स को अच्छी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। जॉन डेवी समझने की कोशिश करेंगे प्रैग्मेटिज्म के साथ, और फिर जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस है, सबसे पहले बेसिक टेनेंट्स हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनका पूरा होना ज़रूरी है, उसके बाद ग्रोथ देखी जाएगी एजुकेशन की। फिर जो हमारे पास चार स्कूल हैं वो जनरल फिलॉसफी के नहीं हैं, वो एजुकेशनल फिलॉसफीज़ के हैं। पेरिनियलिज्म है, देखेंगे कि भाई क्यों कहते हैं कि वेस्ट के पास तमाम इशूज़ का सलूशन अवेलेबल है, और ये कैसे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के साथ एसोसिएट हुई थी, और हमें वेस्ट, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहती है कि वेस्ट के पास जाएं। और हम यहाँ पर देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने ये पेरिनलिज्म को कैसे जो है फोकस किया था, और आज क्यों हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें कहा जाता है कि वेस्ट के पास ही हर प्रॉब्लम का सलूशन अवेलेबल है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में। फिर एसेंशियलिज्म में देखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल्स हैं, और ये इज्म की फिलॉसफी कैसे बन गई एजुकेशन की। एंड देन प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म, सेम यही चार जो वेरिएबल्स हैं हम डिस्कस कर रहे होंगे अच्छी गप के साथ, थोड़े से बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों के जहनों में ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना इसका सिलेबस नज़र आता है, ये उससे बहुत ज़्यादा आसान है। और इसी लेक्चर में हम मुस्लिम फिलासफर्स के थॉट्स भी देखेंगे, जिसमें इमाम गजाली साहब हो गए, इब्ने खालदून हो गए, शाह वलीउल्लाह साहब हो गए जी, सर सैयद अहमद खान हो गए, और इकबाल साहब हो गए। फिर देखेंगे इकबाल प्रोग्रेसिविज्म के थे, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के थे, एक सर सैयद अहमद खान पेरिनलिज्म को कैसे फॉलो करते थे, और प्रोग्रेसिविज्म साइंटिफिक सोसाइटी बनाने के साथ किस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं हमें, हमारे साथ यहाँ पर। हमने सर सैयद अहमद खान की जनरल डिस्कशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में की है, पाकिस्तान स्टडीज़ में हमने इनको पढ़ा हुआ है, इनकी तमाम एफर्ट्स को, लेकिन यहाँ एजुकेशनल फिलॉसफी समझेंगे कि जब वो ये स्टेप ले रहे थे, साइंटिफिक सोसाइटी बना रहे थे, तो उनके माइंड में फिलॉसफी कौन सी थी, और वो फिलॉसफी, वो स्कूल ऑफ थाट था क्या, क्या जब वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे तो क्यों पेरिनलिज्म की कहानी समझी जा रही थी, और जब वो जो है साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कर रहे थे तो बेसिकली मकसद तो प्रोग्रेसिविज्म ही था ना, रिकंस्ट्रक्शनिज्म था। तो हम इन राइटर्स को उस तरीके से, उनकी जो एफर्ट्स थी, उनकी जो थॉट्स थे, उनको इन स्कूल ऑफ एजुकेशन डील करेंगे। एंड जो ये देखेंगे कि जनरल फिलॉसफी में ये जो मुस्लिम फिलॉसफर्स थे कैसे पार्टिसिपेट करते थे, इनमें से कौन से जो मुस्लिम फिलॉसफर्स हैं वो आइडियलिज्म को परसू करते थे, कौन से मुस्लिम फिलॉसफर रियलिज्म को परसू करते थे, और कौन से जो हैं वो नेचुरलिज्म को परसू करते थे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जी वो एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन इसका नहीं होगा, ठीक है, ये हेड टू है। ये हम जो टेस्टिंग वाला हमारे पास क्लासरूम इवेल्यूएशन का है उसके साथ हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एमसीक्यू, एक पूरा 20 नंबर का सवाल आता है जी, आप बताएं कौन सा टेस्टिंग सिस्टम बेहतर है, इन टेस्टिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, और ये टेस्टिंग सिस्टम ऐसे टाइप टेस्ट क्यों लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आपकी जो क्या असेस किया जा रहा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में असेस किया जा रहा है इंडिविजुअल का, मैचिंग टाइप, प्रिंसिपल ऑफ कंस, और ये किस किस एज पे डिवाइस होने चाहिए, ठीक है, कौन सी एज पे किस किस्म के टेस्ट को लेना चाहिए,
और फिर हम कंपैरेटिव एजुकेशन में जाके वहाँ से कुछ सपोर्ट प्रोग्राम ले रहे होंगे अपना, कि वो कंट्रीज़ इस एजेस में किन टेस्ट को परसू करती हैं। अपना सिविल सर्विसेज की एग्जांपल्स भी देख लेंगे, ठीक है, कि सिविल सर्विसेज की स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, या ऐसे टाइप टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया, पीएमएस में क्यों नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सारे सब्जेक्ट्स में, और सीएसएस में क्यों है, और इससे क्यों एवेल्यूएशन, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। जब स्कूल और डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर के जो करिकुलम है, उसके जो टेस्टिंग सिस्टम है, वो क्यों अलग है इससे, उसका लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट हो गया है। प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम देखेंगे, वो ऐसा क्यों है, उसमें ये टेस्ट किस तरीके से चेंज हैं। फिर मदरसा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर कौन से टेस्ट हैं, ठीक है, एंड देन देखेंगे कि अचीवमेंट कैसे होती है और क्या अचीवमेंट्स होती हैं इन टेस्ट के थ्रू, और स्टैंडर्ड जो सेट्स हैं वो क्या होते हैं इन टेस्ट के। फिर हम कुछ अच्छी सी डेफिनेशन देख रहे होंगे, जैसे रिलायबिलिटी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, यूजेबिलिटी हो गई, और जो है वैलिडिटी हो गई, कि एक टेस्ट में ये 5 से 6 अच्छी खसूसियात होनी चाहिए, जैसे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी, और किन किन टेस्ट में ये किस किस तरीके से मौजूद होती है। जो हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, इसकी हिस्ट्री देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्लानिंग, एजुकेशनल प्रॉब्लम इन वर्ल्ड परस्पेक्टिव, इनोवेशन और अंडरस्टैंडिंग में ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। 3 सिस्टम समझेंगे जी, वेस्टर्न एजुकेशन को कवर करेंगे और फिर एशियन एजुकेशन को कवर करने होंगे। वेस्टर्न में हम यूएस, यूके, कनाडा एक ही सेट में लेके चलेंगे, एशियन में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मेथड क्या होते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन के एनालिसिस के, डिस्क्रिप्टिव कैसा मेथड यूज़ किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव, और ये हमारा हैंडल होगा जब हम एज अ पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी को डील कर रहे होंगे, और पॉलिसी के 4 पार्ट पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, ठीक है, कि भाई इसमें डिस्क्रिप्टिव क्या रोल प्ले करता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। जब हम नॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं, व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू परसू दैट स्पेसिफिक पॉलिसी, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई पाकिस्तान इज परसूइंग दैट स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक है, व्हाई नो पॉलिसी, दैट वाज द आल्सो ऑप्शन, जो पॉलिसी सेट करते हुए ऑप्शन था तो वो क्यों नहीं चूज की गई। सोशियोलॉजिकल और क्वालिटेटिव मेथड भी देख रहे होंगे और एनालिटिकल मेथड भी देख रहे होंगे। तो पहले पॉलिसी के उन ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कंपैरेटिव एजुकेशन में ऐसा मेथड कैसे यूज़ होते हैं, और ऐसे भी इसी हेड का हिस्सा होगा हमारा, हो सकता है इंग्लिश ऐसे आ जाए, ठीक है, और वहाँ से हमारे पास अच्छा मटेरियल तैयार हो रहा हो कि व्हाट आर द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, दैट इज़ 3.7 हेड नंबर। लाइक यहाँ पर उसने हमसे पूछा है रेलिवेंस, एक्सेस, इक्विटी, क्वांटिटी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मदरसा एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड इवेंचुअली विल कवर स्ट्रक्चरल इशूज़ एंड फंक्शनल इशूज़। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है, फंक्शनल प्रॉब्लम क्या है इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। ये हमारा एक वो ऐसे होगा, एक वो लेक्चर होगा जिसमें हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, कि एग्जेक्टिव से लेकर लेजिस्लेशन से लेकर आपकी कौन है पॉलिसी बनाने वाला फेडरल लेवल पे और प्रोवेंशियल लेवल पे, और 18वीं तरमीम के बाद क्या फेडरल लेवल प्रोवेंसीज की पॉलिसीज बना सकती हैं कि नहीं, अगर बना सकती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किस हद तक सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है, आपका सेक्रेटरी एजुकेशन जो हाईएस्ट इंडिविजुअल है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिविजुअल है आपकी इस सोशल इंस्टीट्यूशन का, वो क्या रोल प्ले करता है पॉलिसी डिवाइज करने में, पॉलिसी एवेल्युएट करने में, और उसके बाद आपके ये सिस्टम कैसे, कौन है जी इस एजुकेशनल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन, आपके AEOs से कहानी शुरू, प्रिंसिपल से कहानी शुरू करेंगे, AEOs पे पहुंचेंगे, CEOs पे पहुंचेंगे, EDOs, DOs को देख रहे होंगे, CO को देख रहे होंगे, ये किसको जवाब दे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे,
ये किसको जवाब दे हैं डिविजनल लेवल पे और ये किसको जवाब दे हैं प्रोवेंशल लेवल पे, और इन सब को इस ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा होता है, फिर सुपरविजन कैसे हो रही होती है और सुपरविजन कौन सा इंस्टीट्यूशन कर रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रही है आपकी, ठीक है, इसका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर सेटअप है जिसको हमने प्रिंसिपल से शुरू किया और सेक्रेटरी एजुकेशन तक लेके गए। सुपरवाइज कौन कर रहा होता है, दोनों में कंट्रास्ट हो जाए तो क्या इशू आ जाते हैं, दोनों सही तरीके से काम कर रहे हों, कोरिलेट सही कर रहे हों तो कैसे फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। फिर पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे एक दो अच्छी केस स्टडीज़ के साथ, ठीक हो गया। जैसे बरगद का क्या रोल है आपकी पंजाब की एजुकेशनल पॉलिसीज बनाने में, कैसे एक एनजीओ आपकी पॉलिसी पूरी पूरी बना देती है। तो पहले हेड में रोल ऑफ एजुकेशन, जो रोल ऑफ एनजीओस इन एजुकेशन सिस्टम, उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। फेडरल मिनिस्ट्री क्या काम करती है, ठीक है, फेडरल मिनिस्ट्री किस तरीके से हायर एजुकेशन और आपके जो एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं उनको डील कर रही होती है, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज क्या काम कर रही होती हैं, कैसे डिफरेंट एजेंसीज़ को साथ वो रिलेट कर रही होती हैं, डिफरेंट एजेंसीज में एनजीओज़ हैं, फॉरेन डोनर्स हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, आपका जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है वो कैसे इन डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ डील कर रहा होता है, कैसे सुपरवाइज कर रहा होता है, स्टैटिक्स क्या कहते हैं, रोल क्या है प्लानिंग में एजुकेशन का। फिर हम देखेंगे फाइनेंसिंग कैसे होती है एजुकेशन की, और डेवोल्यूशन प्लान जो 18th अमेंडमेंट है उसके बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तब्दीली आई, अगर आई तो कैसे आई, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा नहीं हुआ। और हम दो जो टेन्योर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों को डील कर रहे होंगे। और लास्ट जो इसी हेड का हमारे पास 5.6 हेड होगा जी, इसको देखेंगे एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें हम NCHD देखेंगे, नेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन अथॉरिटी देखेंगे, ठीक है, और हायर एजुकेशन कमीशन देखेंगे, बिफोर डेवोल्यूशन प्लान एंड आफ्टर डेवोल्यूशन प्लान। ये आई एम श्योर के 7-8 लेक्चरों में कवर हो जाएगा, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एफर्ट है इसको कवर करने की। बुक्स में आप लोगों को जी देखें, मैंने जब ये स्टार्ट किया था एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो कोई एक बुक अगर मैं आपको बताऊं तो एक बुक आपको इस स्टेज पे, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी ज़िंदगी में JWT कारवान वगैरह नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी किताबें हैं होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पूरा सिलेबस आपको एक जगह पे मिल जाता है, आप इनमें से कोई भी एक किताब ले सकते हैं। ये इस पे खाली 100% रिलाई नहीं करेंगे, आप एक किताब लेंगे JWT की, कारवान की, जो PMS एजुकेशन Paper 1, Paper 2 को डील कर रही होगी, लेकिन इसमें से सिर्फ सिलेबस कवर होगा। आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो कुछ कोड्स हैं, मैं अभी इस लेक्चर के फौरन बाद कोर्स कोड्स मेंशन कर दूंगा, ठीक है, इर्द गिर्द देखें, आपके पास बहुत सारे जानने वाले होंगे जिन्होंने BEd और MEd किया होगा। लेट्स से अगर आपके पास ये बुक है तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन चैप्टर Paper 2 हेड नंबर 1 कवर करा के देगी आपको। जस्ट अ सेकेंड, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का जो आपका हेड है, ये उलट हो गया इधर, अच्छा, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का जो हेड है वो एक ये किताब कवर कर रही होती है। इस किताब, अगर ये आपके पास बुक है तो इसको सारी नहीं पढ़नी किताब, ठीक है, आपने कंटेंट पे जाना है। सबसे पहले 1.7 हेड है, लेट्स से मैंने कभी जब ये पढ़ी थी तो मेरे पास 1.7 हेड को ही मैंने कवर किया था, और 4 जनरल प्रिंसिपल्स हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 4 आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये पढ़नी कैसे हैं, इनको कुछ नहीं शुरू करना, इससे पहले 1.6 हेड है, वो बताता है फिलॉसफी का एम ऑफ एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक है, फिलॉसफी का करिकुलम के साथ क्या ताल्लुक है, फिलॉसफी का मेथड ऑफ टीचिंग के साथ क्या ताल्लुक है, और ये 4 जो फिलॉसफीज़ हैं, जनरल फिलॉसफीज़, ये करती हैं क्या, डिफाइन करती हैं, आपको ऊपर हेडिंग मिल जाती हैं, तो आपने सिर्फ ये 4 चीज़ें ढूंढनी हैं,
फिलॉसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. ये आइडियलिस्टिक परस्पेक्टिव रिलेटेड विद द एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आइडियलिस्टिक परस्पेक्टिव एंड करिकुलम, आइडियलिस्टिक परस्पेक्टिव एंड टीचर एज अ फैसिलिटेटर, आइडियलिस्टिक परस्पेक्टिव एंड द मेथड ऑफ टीचिंग. तो उसके बाद तीन डिफरेंट हेडिंग और मिलती हैं, टीचर, स्कूल, सोसाइटी एंड करिकुलम. इनको ये क्या कहती हैं, ठीक है. ये 1.7 है जो चैप्टर 1 है, इसमें से सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना. जो आपके पास को मैं ये किताबें आप लोगों को अभी कोर्स कोड बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं काजी के साथ, असलान भाई के साथ डिस्कस कर लूँगा कि मैं इनको क्या PDF में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप लोगों को शायद हम प्रोवाइड कर दें, इस ग्रुप में पेस्ट कर दें. फिर 1.8 जो है वो एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं, सेम सिलेबस है जी, पेरिनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, दैट इज़ इट. उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना यहाँ से, ठीक है. अच्छा जी, अब आप मूव करेंगे चैप्टर 7, मुस्लिम फिलॉसफर्स एंड देयर परस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन, इमाम गजाली, इबन खालदून, उसके बाद अलामा मोहम्मद इकबाल, शाह वलीउल्लाह एंड सर सैयद अहमद खान. इसमें से चार यहाँ पर ठहरे हैं. अलफराबी आपने वैसे पढ़ना है, मुझे मेरा फेवरेट है, आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है. उसके बाद आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 7 के बाद ये बुक आपकी ख़त्म हो गई, हेड आपका एक आलमोस्ट 2 क्वेश्चन क्लियर करा जाएगा. अब आप आते हैं, एक और बुक है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये पेपर 1 का आपको हेड 4 करवाती है, ठीक है. पेपर 1 का हेड 4 जो कि शायद इसी किताब का सबसे मुश्किल हेड है, लोग समझते हैं. इसमें से आप अगर इसका कंटेंट ओपन करेंगे तो जनरल प्रिंसिपल चैप्टर 1 है जी चाइल्ड डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, गेंस एंड लॉसेस फ्लैक्सीबल होती है, ठीक है. उसके बाद हम जाते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन सब की डिस्कशन है. फिजिकल डिवेलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट, इमोशनल डिवेलपमेंट, सोशल डिवेलपमेंट, चार चैप्टर्स हैं जो इसमें से हमने देखनी है. चार चैप्टर्स हैं इसके, ये ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की एक किताब है. अच्छा, उसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना. यस, अच्छा, अब आप आते हैं, मैंने इसको 2-3 किताबें मेरे पास ये थी, एंड देन मेरे पास कौन सी किताब थी एजुकेशन से रिलेटेड, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द सोशियोलॉजी, ठीक है. लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैंने किया था डियाना कैंडल से, जिसमें इसका एजुकेशन का एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो वैसे तो आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन की अच्छी खासी डिटेल अच्छे तरीके से आप लोगों को बता देता है. और इसमें ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है. मैं कोशिश करूंगा कि ये बुक, इसमें से 10-12 पेजेस हैं, वो आप लोगों को शायद हम सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकें PDF बना के, ठीक है. उसके अलावा जी मेरे पास जो एक बुक थी एजुकेशन की, जो डेवलपमेंट प्लान्स थे वो, ठीक है, वहाँ से मैंने की थी. ये 3 चीज़ें मैंने कवर की थी, और उसके बाद जो आपका ऑनलाइन मटेरियल है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. तो अगर अभी तक कोई सवाल है आप लोगों का तो आप बता सकते, आप पूछ सकते हैं. अभी टाइम क्या हुआ है, हमें लेक्चर शुरू करते हुए कितनी देर हुई, 11:30 to 12:30 हमारा ये लेक्चर हुआ करेगा 1 घंटे का, एंड आई थिंक हो जाएगा 7-8 लेक्चर्स में हमारा ये सिलेबस कवर हो जाता है. एंड दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट मोर देन इनफ, एंड ये 7-8 दिन से ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है अगर आपने बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट करना है. और अगर आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना तो ये उससे भी कम का है, और लिटरली उससे कम का है. अगर आपके पास एक अच्छा मटेरियल अवेलेबल हो और आपके पास जो है सिलेबस, देखें जी मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके पास जब तक सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होंगे, लेट्स से PMS के सिलेबसेज हैं मेरे पास, ये आपके पास जब तक, ये मेरे पास
सोशियोलॉजी का एक सिलेबस है, आपके एजुकेशन का सिलेबस है, जब आप तैयारी करते हैं ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपका वो सिलेबस आपके फ़ाइनल नोट्स हैं। मेरे यही सिलेबस मेरे पास आखिरी दिन पे होते थे, जिस दिन मैंने पेपर वाले दिन जाना था मैं इन सिलेबस को लेके जाता रहा हूँ, और इसी सिलेबस में मैंने जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती थी मैंने यहाँ पर नोट कर लेने होते थे। ठीक है, आफ्टर जब मैं उसको कंप्लीट कवर कर लेता था तो सिलेबस आप लोगों के पास प्रिंटेड कल होने चाहिए हर बंदे के पास, क्योंकि मैं सिलेबस को ही कवर कराऊंगा। आई विल नॉट, मैं उसके जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश नहीं करूंगा कि भाई जनरल बातें ही हैं, मैं सिलेबस सेंटर्ड ही रहने की कोशिश करूंगा और आपको सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास कल प्रिंटेड फॉर्म में हो। 5 बजे तक बुकशॉप खुली होती हैं, फोटोकॉपी शॉप्स, आप प्रिंट ले लें, होना चाहिए आपके पास वैसे भी। अभी तक क्या सवाल है? दैट इज़ अ आई थिंक फ्री है जी, ये महक फैज़, ये हर चीज़। लास्ट बुक है जी सोशियोलॉजी इन ओवर टाइम, डियाना कैंडल, ये PDF में अवेलेबल है। वैसे आप इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो चैप्टर 4 है उसका एक हेड करते हैं एजुकेशन, बहुत मज़े की किताब है, आपको सारे बड़ी डिटेल में आने चाहिए। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, आपको ये बड़ी डिटेल में पता होने चाहिए कि सोशियोलॉजी इनके बारे में क्या कहती है, क्योंकि ये इनकी सबसे अच्छी तारीफ़ें आपको सोशियोलॉजी में मिलती हैं। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था सोशियोलॉजी, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो यहाँ मिल जाती हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। 11:30 ऑनवर्ड, 11:30 से लेकर 12:30 या 1 बजे तक ये लेक्चर्स होंगे, जहाँ तक हम जा सके आपकी सहरी बनाने से पहले पहले तक। कोई सवाल जी आप लोगों का हो अभी तक? दिस इज़ फ्री महक फैज़, दिस इज़ फ्री, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, थैंक यू। फारिया खटक, वास्लाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। असलान भाई हैं मेरे साथ, आई थिंक। कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी जी, कल से मंडे टू मंडे, ठीक है, आई थिंक मंडे टू मंडे ही है, 8 दिन बचेंगे हमारे पास, हम इसको मंडे कल से शुरू करेंगे और नेक्स्ट मंडे तक सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, ओवरव्यू के साथ नहीं। बाकी कोई और सवाल है आप लोगों का किसी किस्म का भी? थैंक यू सो मच मैम रहमीन इफ्तखार, इंशाल्लाह आपका जी इंशाल्लाह हो जाएगा इस दफ़ा, हर हाल में आई एम वेरी होपफुल कि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाय नहीं होगी। एंड आपको वैसे भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप बता सकती हैं, ठीक है। डॉक्टर सो मच मैम, किसी का भी कोई सवाल अब तक हो सब्जेक्ट के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, बाकी कंटेंट के रिलेटेड कल से देखेंगे जो जो सवाल आते जाएंगे। असलान भाई थैंक यू सो मच, असलान भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी फॉर दिस PMS कम्युनिटी और CSS वालों के लिए, PMS वालों के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जजा देगा, ठीक है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा जी, कल से इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के साथ, पहले हेड के साथ, जब हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान की कहानी डिस्कस करते हैं। आज तो मेरे पास आई थिंक मैं कनेक्ट नहीं कर सका, कल से स्लाइड्स मतलब आपके साथ वाइट बोर्ड होगा, आई हैव अ डिजिटल बोर्ड विद मी, तो कल से हम वाइट बोर्ड को प्रॉपर यूज़ करेंगे, जस्ट वीडियो लेक्चर नहीं होगा, वाइट बोर्ड होगा आपके साथ पूरा, ठीक है। आप लोगों को जो विजिबल होगा वो वाइट बोर्ड ही विजिबल होगा और उसी पे ही हमारे लेक्चर होंगे मैक्सिमम। देखें जी मैम, एक चीज़ मैं समझा हूँ, मुझे जो समझ आती है, जो मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर मैं CSS और PMS की बात करूं तो मैंने उन सब्जेक्ट्स में भी मैक्सिमम स्कोर किया है जिसमें बाकी बहुत सारे पास ही नहीं हो रहे होते। तो मैक्सिमम स्कोर करना आप पे डिपेंड करता है, आप 140 तक आराम से जा सकती हैं अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन मटेरियल आर्गूमेंट्स और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, आप अगर उन सब को आंसर करेंगे PMS और CSS में, टू द पॉइंट बात होती है जी, इधर इधर की कोई कहानियाँ नहीं होती।
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने लेट्स से इंटरनेशनल लॉ इसी साल 70 के करीब करीब स्कोर किया, तो नहीं हो रहा था स्कोर बच्चों से, नहीं हुआ। मैंने DMCs देखी जो नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि आपका जनरल ओवरव्यू कैसा है, उस पे कमांड कैसी है आपके पास, आपने उस सवाल को समझा कैसे है, जो क्वेश्चन आपने आपसे एग्जामिनर ने पूछा है आपने उसको हिट किया है, उसकी डिमांड पूरी की है, क्वालिटी प्रेजेंट की है आपने, तो 140 आराम से आ जाते हैं। हाँ, अब एक दो सब्जेक्ट्स हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें आप हिट हो सकते हैं, लेकिन हिट भी आप तब होते हैं जब आप बिल्कुल ही इक्विप्ड ना हो नॉशनल्स के साथ, जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अगर फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैंने कभी JWT नहीं पढ़ी, ना मैंने कभी कारवान से पढ़ा है, ना इन किताबों से मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं उन किताबों को यहाँ पर बैठ के शुरू भी करूँगा ना, तो मैं उस पर 100% नहीं रिलाई करूँगा। वो मेरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी के दौर में मैं नेट को यूज़ करूँगा, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ूँगा, मैं उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को देखूँगा कि अगर इसमें एक फ़िलासफ़िकल हेड है तो मैं फ़िलासफ़ी से थोड़ी सी हेल्प ले लूँ, अगर सोशियोलॉजिकल हेड है तो मैं सोशियोलॉजी से थोड़ी हेल्प ले लूँ कि सोशियोलॉजी इस सब्जेक्ट सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कहती है, अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है तो मैं साइकोलॉजी के उस पढ़ना, तो मैंने एक चैप्टर है, मैंने पूरी किताब नहीं पढ़नी साइकोलॉजी की सोशियोलॉजी की, मैंने एक चैप्टर पढ़ना है कि वो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में क्या कहती है। अगर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रिपरेशन की है तो आई एम गुड टू गो, और 140 आपको मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। तो अच्छा सब्जेक्ट है, और वैसे भी ये सब्जेक्ट क्यों अच्छा है जी, पाकिस्तान अफेयर्स एक आध सवाल आपका हो जाता है, जब पंजाब पब्लिक सर्विस जब आप प्रोवेंशल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ से पूछ लेता है एजुकेशनल पॉलिसीज, न्यू डील इस साल की हॉट टॉपिक है जो है, शायद आ जाए, ऐसे आ जाता है आपके पास। तो आपने एक टॉपिक को हर एंगल से कवर किया हुआ है, आपको पता है क्या क्या इश्यूज़ हैं, करिकुलम के क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्लासरूम्स के क्या इश्यूज़ हैं, टीचर के क्या इश्यूज़ हैं, आपकी पॉलिसीज़ के क्या इश्यूज़ हैं, सुपरविजन के क्या इश्यूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के क्या इश्यूज़ हैं, आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको इस किताबों ने हर इस सब्जेक्ट ने हर वो सलूशन प्रोवाइड किया है जो वर्केबल है। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत सारी जगहों पर और हेल्प कर रहा होता है। मेरे और ऑप्शनल थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, NPMS मैंने एक ही अटैम्प्ट दिया जी, उसके बाद मैंने अटैम्प्ट नहीं दी और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ दूसरी अटैम्प्ट देने में, तो मैंने सिर्फ एक ही अटैम्प्ट दी थी PMS की, इस साल मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे अब जो है और कामों में बिजी हूँ मैं। थैंक यू सो मच असलान भाई। थैंक यू सर, आपकी मोहब्बत है, भाई हैं, ठीक है, मुझे जहाँ पर भी सेल्फ सर्विसेज ये हो रही होती हैं अच्छा लगता है, अगर किसी को हेल्प मिल जाए किसी एक दो एस्पायरेंट्स को तो इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग कोई बात है ही नहीं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह 11:30, टेक केयर।